नमस्कार दोस्तों, मैं वसंत कुमार साहू फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग और आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित। ठीक है, आजकल आप देखते हैं कि जितने भी व्यावसायिक परीक्षा होती है, प्रोफेशनल एग्जाम जितने भी होते हैं, उसके लिए जो वैदिक गणित है वो बहुत ही कारगर साबित हो रही है ना। तो ये जो वैदिक गणित है वो कहाँ से आया है? एक्चुअल में जो वैदिक गणित है वो बहुत ही पुराना एक अंग गणित के ही रूप है ना। इसके अंतर्गत अंग गणित ही पढ़ाया जाता है और इसको श्री भारती कृष्ण जी ने इसको क्या कहा था, एक वैदिक रीति यानी कि एक वैदिक गणित को दिया था, जिसके अंतर्गत अंग गणित के जो गणना होता है उसको हम बहुत ही आसानी से यानी कि उसको वैकल्पिक और बहुत ही सरल रूप से और सहज रूप से हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं, उसको हम गणना कर सकते हैं अंक गणित। ठीक है, तो मतलब क्या है अंक गणित, वैदिक गणित का अर्थ क्या होगा कि वैदिक गणित गणना की एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम अंक गणित के अंकों को आसानी से सरल और सहज रूप से त्वरित ढंग से हल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो वैदिक गणित में टोटल 16 सूत्र होते हैं है ना, वैदिक गणित में कुल 16 सूत्र होते हैं। श्री भारती कृष्ण जी ने इसके 16 सूत्र दिए थे। ठीक है, जिसके उप सूत्र भी 16 है वो बनाए गए हैं ना, उसी के आधार पे उसका उप सूत्र भी बनाया गया है। ओके, तो जैसे कि वैदिक गणित मतलब क्या होगा, एक शॉर्टकट मेथड रहता है, जैसे मतलब एक अलजेब्रा जो भी नंबर रहता है, मतलब बड़े से बड़े नंबर को भी हम आसानी से सरल रूप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एकाधिकिम प्रूवेंट एक विधि होती है, इसी प्रकार से न्यूनेन प्रूवेंट विधि होती है, उभयत्रिभ्रामण विधि होती है, इस प्रकार से होता है ना। जैसे कि हम एकाधिकिम प्रूवेंट विधि से देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है ना, और उसकी है एकाधिकिम प्रूवेंट विधि। ठीक है, मतलब जो वैदिक गणित होता है उसके जितने भी फॉर्मूला होता है, जितने भी सूत्र है, उसको संस्कृत के शब्दों में ही नाम दिया गया है, उसका नाम जो है उसको संस्कृत शब्द में ही दिया गया है। ठीक है, जैसे कि एकाधिकिम प्रूवेंट विधि, न्यूनेन विधि है ना, उभयत्रिभ्रामण विधि, बहुत सारे नाम है, टोटल 16 विधि दिया है। तो जैसे कि एकाधिकिम प्रूवेंट विधि का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, सपोज मुझे 35 का वर्ग निकालना है। ठीक है, मान लो मुझे 35 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, क्योंकि हमको पता है 35 का वर्ग या 35 घात वर्ग है, मतलब इसका हम दो बार गुणा करेंगे। ठीक है, इसका हम दो बार गुणा करेंगे, 35 का वर्ग बराबर 35 गुणा 35। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, सबको मालूम है। ओके, तो इसको हम वैदिक रीति से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि एकाधिकिम पूर्वेण, एकाधिकिम पूर्वेण मतलब एक से अधिक होना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं 35, 35 के इकाई का अंक क्या है, 5 है, 35 के इकाई का अंक क्या है, 5 है। ठीक है, 35 के इकाई का अंक क्या है, यहां पर 5 है, तो यहां पर क्या होगा, 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 कितना होता है, 25 होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, 25 लिखेंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गया एक पार्ट, 35 के या हमको जो भी अंक दिया होता है उसके इकाई का अंक लेंगे, 5 है इकाई का अंक, तो 5 गुणा 5 कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट में क्या है, यहां पर 3, इसके देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3 है यहां पर है ना, तो 3 से एक अधिक जोड़ना है, एकाधिकिम बोल रहे हैं ना, तो 3 से एक अधिक बोल रहे हैं, मतलब देखो 5 गुणा 5 तो हो गया है, 5 गुणा 5 हो गया, क्या बचा है हमारे पास, 3 गुणा 3 बचा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि एकाधिकिम प्रूवेण है, मतलब 5 से पहले वाला अंक, ठीक है, का एक अधिक, 5 से
पहले वाले अंक का एक अधिक, ठीक है, यानी कि तीन, तीन का एक अधिक क्या होगा, चार होगा गुणा तीन, ठीक है, यानी कि चार गुणा तीन करेंगे कितना आएगा बारह, चार गुणा तीन करेंगे कितना आएगा बारह आएगा। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, है ना। अतः 35 के वर्ग कितना होगा 1225 होंगे, ठीक। इस प्रकार से हम आसानी से इसको शॉर्टकट में सबसे निकाल सकते हैं। ये कहलाता है वैदिक रीति, वैदिक गणित इसी को कहते हैं, ठीक है। अब हमको प्रश्न क्या कहा गया है कि वैदिक रीति से 9, 1, 2, 6, 7, 3 का घनफल निकाले, घनफल मतलब तीन अंक वाला, ठीक है, तीन अंक वाला। तो देखेंगे लोग, और हमको क्या करें, इसको प्रक्रिया में सात सात लिखते जाना है ना। तो उत्तर पहला नंबर लिखना वैदिक गणित क्या है, क्या है वैदिक गणित, वैदिक गणित गणना की वह पद्धति है जिसमें अंक गणित की गणना यानी कि हम इस समय जिसमें जटिल अंक गणित लिख सकते हैं, जटिल अंक गणित की गणना सरल सहज और त्वरित रूप से या त्वरित ढंग से हल कर सकते हैं या किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया वैदिक गणित का अर्थ, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैदिक रीति से इसका हम घनफल निकालना है, तो आइए हम इसको घनफल निकालते हैं। तो घनफल में क्या होगा, हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो ये हो गया अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट हो गया क्योंकि घनमूल कहा गया है, यही अंडर रूट हम निकालते हैं, तब लिखते हैं इसको, जब वर्गमूल निकालना होता है तो ये सिर्फ यहाँ पर अंडर रूट होना चाहिए, या इसको वर्गमूल हम कहते हैं, ठीक है। या अब क्योंकि हम घनमूल निकालेंगे, घन मतलब तीन, यहाँ पर तीन लिख देंगे, तो ये हो गया घनमूल। इसका निकालना है तो इसका हमको निकालना 9, 1, 2, 6, 7, 3 का हमको घनमूल निकालना, ठीक। अब इसको हम इसका स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सर्वप्रथम दिए गए अंक को अंक का तीन तीन का समूह बनाते हैं, तीन तीन का समूह बनाते हैं, ठीक है। इसका हम तीन तीन का समूह बनाएंगे, जो हमको अंक दिया गया है उसको हम तीन तीन का समूह बनाएंगे, मतलब यहां से शुरू करेंगे 3, 7, 6 एक ग्रुप हो गया, वैसे 2, 1, 9 ये हो गया दूसरा ग्रुप, ठीक हो गया। यहाँ पर मतलब दो ग्रुप बन रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि दिए गए अंक में दो समूह बनते हैं, अतः घनफल में दो अंक होंगे, ठीक। मतलब यह है कि जो हमको संकेत दिया रहता है उसका सबसे पहले क्या करते हैं, घनफल निकालना है, तो तीन तीन का समूह बनाएंगे, वर्गमूल निकालना है तो उसका हम दो दो का समूह बनाते हैं, ठीक है। लेकिन समूह कहां से बनाएंगे हम,
राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं समूह बनाना, ठीक है। तीन तीन का समूह बनाएंगे क्योंकि घर में रहे तो तीन सात छह एक समूह हो, दो एक नौ दूसरा समूह, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ दो ही समूह बन रहा है, इसका मतलब क्या है, घन मूल में इसका जो घन मूल है उसमें सिर्फ दो ही अंक होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रथम समूह में या प्रथम समूह के इकाई अंक, इकाई अंक क्या है आपके प्रथम समूह में, तीन है, ठीक है। इकाई अंक क्या होगा, क्या है, तीन है, तो तीन पर घन मूल क्या होगा, तो तीन का घन मूल कितना होता है, तीन गुना तीन कितना होगा, सत्ताईस, ठीक है, सत्ताईस है। अब देखो इसके इकाई का घन मूल सत्ताईस हो गया है, इसका मतलब क्या है, उत्तर के घनमूल में या उत्तर में इसका मतलब उत्तर में इकाई अंक कितना होगा, सात होगा, ठीक है। ये फिक्स है, ये संख्या फिक्स है, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखेंगे हम तीसरा पॉइंट, लेते हैं दूसरे समूह, देखो दूसरे समूह क्या है, नौ एक दो, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय समूह या दूसरे समूह में कितना है, 9 1 2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दूसरे समूह में जितना नंबर रहता है यानी कि 912 है, तो हमको क्या करना होगा, एक ऐसी संख्या का हमको घनमूल निकालना पड़ेगा जिसका जो घनमूल है वो 912 से कम होना चाहिए या 912 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। हमको एक ऐसा अंक ढूंढना है जिसका घनमूल 912 के आसपास हो, ठीक है। तो देखेंगे वहां पर, सपोज यदि मैं अंक 8 को लेता हूं, ठीक है, यदि 8 का घनमूल लेता हूं तो क्या होगा, 8 का घनमूल क्या होगा, 8 गुना 8 है ना, 8 यदि 64 28 कितना होगा, 64 28 512 हो रहा है, 8 का घन कितना हो रहा है, 512 हो रहा है ना। इसका मतलब ये जो 512 है वो 912 से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ही कम उससे, है ना। हमको इसके आसपास देखना है, 912 के आसपास के अंक देखना है ना। तो मैं 9 को घन लेता हूं तो कितना होगा, 9 को घन 9 गुना 9 गुना 9, ठीक है। 9 नियम 81 नियम कितना होगा, 729 कितना हो रहा है, 729 हो रहा है, ठीक है। 9 का घनमूल कितना आ रहा है, 729 हो रहा है, ये जो 729 है वो 912 के करीब है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं 10 का घनमूल देखता हूं, 10 का घनमूल देखेंगे, 10 गुना 10 गुना 10 कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1000 है। लेकिन हमको किस यहाँ तो कितना है, अंक कितना है, 912 है ना। तो जो जिसका हम घनमूल निकालेंगे, जिसका हम घनमूल निकालते हैं उसका घनमूल 912 के
घन होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होने को 10 का जो घन होने 912 से अधिक है, हमें क्या आ रहा है, लेकिन 9 का जो घन होने वो 729 यानी कि 912 से कम है। ठीक है, इस अतः घनमूल के दहाई का अंक का अंक कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, जिसके घन आता है उसके इससे कम आएगा वही अंक आपकी दहाई होगा, अंक 9 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमको दिए गए जो संख्या है, दिए गए जो संख्या है उसका घनमूल क्या होगा, इकाई का घनमूल क्या निकालेगा, हम इकाई का घनमूल 7 निकालेंगे, इकाई का घनमूल 7 हुआ। इसी प्रकार से दहाई का घनमूल कितना निकला है, 9 निकला है, दहाई का कितना होगा, 9 होगा। ठीक, इस प्रकार से दिया गया संख्या का घनमूल कितना होगा, 97 होगा। ये है हमारा आंसर। ठीक, समझ आया, तो ये हो गया आपके वैदिक गणित के द्वारा घनमूल निकालना। ठीक है, समझ में आया, ओके, ठीक, ओके, धन्यवाद।